प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7 की गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के सवाल और सवाल नंबर है अपना 3। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। अब इनके प्रश्न को उत्तर देना है। पहला है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, और दूसरा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो यहाँ पर पहले ये जो संख्याएं दी हैं, मान दिए हैं, ये एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार दिए हैं किलोग्राम में। इन मानों को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो देखें, पहले सबसे कम मान कौन सा है? 38, 42, 35, 35 छोटा हो गया, और 35 से छोटा 32, 32 से छोटा, 32 से छोटा कोई छोटा नहीं है, ये 32 सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ लिखा मैंने इसको, ये हो गया 32, और 32 के बाद में देखो क्या रहा है, 32 के बाद में 32, 35, 35 और इधर ज़्यादा, ये 35, 32 के बाद में 35, 35 के बाद में देखें 36 आ रहा है क्या? हाँ, ये 36 आ रहा है, ये हो गया 36, और 36 तो नहीं आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा। अब 36 के बाद देखो 37, ये 37 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया 37, 37 के बाद में और 37 है क्या? नहीं है, और 37 नहीं है। इसके बाद 38, तो देखो 38 एक बार यहाँ आया है, और एक बार, दो बार यहाँ आया है, और तीन बार आया है। तो 38, 38 कितनी बार है? तीन बार है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 38, 38, 38, 38 और 38, 38, 38 तीन बार। अब इसके बाद देखें 38 के बाद में क्या आ रहा है, ये 42, 45, 50, 43, 43 और 40, 43, 47, तो 40 आ रहा है, ये लिख दिया आपने 40। 40 के बाद में इसको कर लेते हैं, 40 के बाद में है 43, नहीं 42 है, ये रहा 42, 40 के बाद में है 42, 42 के बाद देखें तो 45, 50, 43, 43, 43, देखो यहाँ 43 है, तो देखो ये 43 कितने हो गए, 1, 2 और 3, 3 43 हो गए, तो 1, 2 और 3, ये 3 43 हो गए। अब 43 के बाद में क्या बचा, देखो 45, 50 और 47, तो पहले आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 47, फिर आ जाएगा 50। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 45, 47 और 50। अब ये कितने विद्यार्थियों के भार हैं? 15, तो गिन लेते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो यहाँ पर आ गए, बढ़ते हुए क्रम में हो गए। अब पहले सवाल का उत्तर देखें, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक देख लेते हैं कि कौन सा अंक जो है वो रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 38 है, 38 है और 38 है, तो 38, 38 तीन बार आया है, और यहाँ देखें 43, 43, ये 1, 43, 43, 43, ये तीन बार आया है। तो यहाँ पर इसके अलावा 40, 42 एक एक हैं, 45, 47, 50 एक एक हैं, 32, 35, 36, 37 ये भी सिंगल है। तो 38 कितनी बार है? तीन बार, और 43 भी है तीन बार। तो इन दोनों में से अगर एक कोई ज़्यादा होता, ज़्यादा अंक होता, रिपीट होता, तो वो बहुलक होता, पर यहाँ दोनों समान हैं, तो यहाँ बहुलक कितने हो गए? दो हो गए। तो यहां लिखेंगे बहुलक, तो बहुलक के मान क्या क्या आ गए यहां पे? 38 और 43, क्योंकि दोनों समान हैं, तीन तीन बार है, तो 38 और 43 हो गए बहुलक। तो ये वाला भाग हो गया। अब अपनों को निकालना है माध्यक। माध्यक क्या होता है? बीच वाला अंक होता है। जैसे ये 15 है, तो 15 जो है, 15 में एक कम करो तो 14, 14 के आधे 7, तो 7 एक तरफ रहेगा, 7 दूसरी तरफ रहेंगे, बीच में जो रहेगा वो आठवां अंक रहेगा, तो वो रहेगा माध्यक। तो देखो
एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये है आठवां। अब इधर कितने बचे देखो, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, तो ये आठवां अंक जो रहेगा ये 40 है, तो 40 इसका माध्य हो गया। और अपनों को क्रम निकालने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो 15 है तो 15 में क्या करो आप, 15 में जोड़ो एक और उसमें दो का भाग दे दो, तो 15 और एक 16 हो गए, 16 में दो का भाग दिया तो 8, तो आठवां अंक जो रहेगा वो रहेगा माध्यक। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठवां अंक है 40 है, तो ये हो गया माध्यक। तो हमने बहुलक और माध्यक निकाल लिए हैं। अब दूसरा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो इसका उत्तर हो गया हाँ, क्योंकि यहाँ पर 38 और 43 दोनों कितनी बार हैं, तीन तीन बार हैं, तो ये इनके जो है बहुलक यहाँ पर दो बार आया है, मतलब एक से अधिक बार आया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।